56 ईयर ओल्ड हार्ड वर्किंग वूमेन। उम्र से नहीं, मेहनत से इंसान बड़ा बनता है। हमारा विश्वास, हमारी ताकत, हमारी जीत है उम्र नहीं। हेलो फूडिस्टा व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ कि ऐसी हार्ड वर्किंग वूमेन से जो कि 58 ईयर ओल्ड है और इतनी मेहनत करती हैं कि उनकी मेहनत जो है ना दिखती है। तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ स्पेशल, उनको अभी मिलवाऊंगी आपसे। और ये है इनके खुद के पिसे हुए मसाले जो ये घर पर ही पीसती हैं, बनाती हैं, और बहुत ही बढ़िया मसाले हैं। किचन का हर एक मसाला मिलेगा। तो अब पूछते हैं इनसे कि ये किस तरीके से बनाते हैं, क्यों शुरू किया इन्होंने, ये सब बातें हम इनसे करेंगे। और अचार जो है ना, सच मानिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि ये घर का बना हुआ है, बिल्कुल हाइजीनिक है, इसमें कोई सिरका नहीं है, कुछ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम नीरू चड्डा है, मैं 58 ईयर्स की हूँ। ये अचार का शौक मुझे अपनी माँ से मिला और ये शौक मैं करीब 10-15 साल से किसी संस्था के साथ करती थी। वो मैं फ्री सेवा करती थी, लेकिन किसी कारण वो संस्था बंद हो गई और अभी पिछले साल मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मुझे टाइम पास करने के लिए, अकेलेपन ने मुझे फिर से इस काम को करने के लिए उकसाया। इससे मैं सारा दिन अपने आप को बिजी रखती हूँ, क्योंकि जो दुख का टाइम है वो इस काम को करते करते मुझे पता ही नहीं चलता कि कब दिन हुआ कब रात हुई। मैं इसको काम करने में मुझे बहुत शांति मिलती है। मैं मसाले भी सारे घर में ही पीसती हूँ। मेरे मसालों को जो लोग पहले पसंद करते थे, उन्होंने फिर से मुझे बोला कि आप हमें मसाले बना के दीजिए। तो मैंने ये तो आपने बीच में बंद कर दिया था काम? नहीं, कोई कोई जाता रहता था। अच्छा, जिनके पास जाते थे उनके जाता था। जैसे ये कहती थी मुझे दे दो, या मतलब जो लोग मेरे साथ पहले जुड़े हुए थे, बीच में हस्बैंड बीमार हुए तो थोड़ा टाइम मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद से फिर मुझे जब लोगों ने बोला कि तेरा टाइम पास नहीं होता है तो तुम इसी काम को करो, तुम बिजी रहो। तो पहले आप फ्री करते थे, संस्था के साथ जुड़े हुए थे, पर अब नीड के हिसाब से कि चलो हस्बैंड भी नहीं है तो अपने हाथ में भी कुछ पैसा रहता है, तो उस हिसाब से आपने सोचा कि मैं करती थी, लेकिन अब मैं इसको अपने हिसाब से करती हूँ, बिजनेस के हिसाब से। मैं अब इसको बिजनेस के हिसाब से करती हूँ, मेरा टाइम भी पास हो जाता, मेरी अर्निंग भी हो जाती। बिल्कुल। तो इसमें मैं सभी तरह के मसाले घर में ही बना। मसाले दिखाएंगे आप कौन कौन से हैं? हाँ, मैं हल, ये कौन सा मसाला है? ये मेरा ड्राई अदरक, जिंजर पाउडर। हाँ जी, जिंजर पाउडर, घर का बना हुआ है, घर का बना हुआ। ये सांबर मसाला, सांबर मसाला। तो इस मसाले को डालने के बाद हमें और क्या मसाला डालना पड़ता है? आप सिर्फ अपने सांबर में सिर्फ नमक डालेंगे, ठीक है, और हल्दी डालेंगे, और कड़ी पत्ता। इसमें कड़ी पत्ता भी ऑलरेडी है। अच्छा, अगर आप उसको डेकोरेशन के लिए जैसे डालते हैं तो डालें, नहीं तो हाँ। कड़ी पत्ता भी है इस मसाले में, सब है, ठीक है। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि हम बाजार से लेते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, ये देगी कश्मीरी मिर्च है। और ये कुटी मिर्च, कुटी हुई। आप इनके रंग देखिए कितना बढ़िया है ना, कि ये घर के बने हुए हैं एक्चुअली, तो घर के बने हुए की बात ही अलग होती है। गार्लिक, लहसुन, अच्छा लहसुन पाउडर, लहसुन पाउडर जो है ना ऑनलाइन मंगवाओ बहुत महंगा मिलता है। तो आप, मैं इनके रेट्स जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। बीटरूट, अच्छा बीटरूट, ये उसका चुकंदर का पाउडर, क्योंकि ये बच्चे नहीं खाते और ज्यादातर लोग मुझसे बोलते थे इसको कि इसको आप सब्जियां बना रहे हैं कलर के लिए भी डाल सकते हैं, सब्जियों में आप डाल सकते, दाल मखनी में डालिए, बहुत बढ़िया रंग आता है और घर का बना हुआ है तो बात अलग आपने है। ऐसा अमचूर मार्केट में कभी नहीं देखा होगा, बिल्कुल सफेद है एकदम, देखिए ऐसा अमचूर नहीं देखा होगा। इसका टेस्ट भी आप करेंगे तो आपको एक बार में, तो इस तरीके से ना आपको बहुत सारे मसाले मिलने वाले हैं इनसे, सारे मसालों के नाम, गरम मसाला, मैं आपको इन सबके नाम, चाय मसाला, ठीक है, तो बहुत सारे मसाले हैं। और भी मसाले हैं क्या इसके अलावा आपके पास? नहीं, ये 11 मसाले हैं, 11 मसाले हैं। और ये हल्दी जो है ये मैं अपने लेके खुद पिसवाती हूँ, ये हल्दी घर में नहीं पीसती, ठीक है, सभी मसाले मेरे घर में पीसती। तो हल्दी और वैसे मेरे पास सेंधा नमक भी होता है, सेंधा नमक अच्छा होता है खाने के लिए।
तो अभी ना मैं अब इनके अचार भी आपको दिखाती हूँ जो ये अचार बनाती हैं। यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया है, खाकर देखिएगा, मंगवा कर देखिएगा जरूर, और थोड़ा थोड़ा मंगवाइए, पहले चाहे आधा किलो मंगवाइए, एक बार मंगवा कर जरूर देखिएगा। तो अचार अगर 100 ग्राम की पैकिंग मंगाएंगे तो 100 ग्राम भी भेजेंगे। तो ये कह रहे हैं अगर 100 ग्राम की, हम इनके अचार देखते हैं। मैंने कुछ अचार इनके इस तरीके से निकाल लिए हैं ट्रे में। वैसे तो इनकी ये देखिए ये पैकिंग है इस तरीके से, ये पैकिंग देंगी और पैकिंग हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है। ये कांच की है तो क्योंकि जब कोरियर तो कांच की कोरियर पे जाती है तो कांच की नहीं जाएगी, वो प्लास्टिक की जाएगी। तो ठीक है, एक बार हम ना पूछते हैं इनसे ये कौन सा अचार है। ये मिर्ची का खट्टा अचार है, खट्टा भरवा मिर्ची खट्टा अचार। तो अगर आपको कोई ठीक है पहले आप ये बताइए, और ये कौन सा, ये इमली वाली खट्टी मीठी, इमली की खट्टी मीठी अचार मिर्ची। हाँ, मिर्ची इसमें गार्लिक जिंजर दोनों डाले होते हैं, इसका टेस्ट तो ये तो बहुत टेस्टी होता है। और ये नींबू का मीठा अचार, नींबू का मीठा अचार, मीठा अचार। ये ओनली आम का अचार, आम का। ये पचरंगा अचार, ठीक है, कमल ककड़ी, मिर्ची, करौंदे, नींबू और बीन्स, ठीक। तो ये अचार नीरू जी ये कितना टाइम तक ये अचार जो है मतलब रुक सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कई लोग कहते हैं हमारे हाथ का अचार नहीं रुकता, अचार हम बनाते हैं खराब नहीं होता, जबकि आप अचार को जब निकाल लें तो उसके साथ तेल ना निकाल, जितना अचार तेल में डूबा रहेगा अचार कभी भी कभी खराब नहीं होगा। तो आपकी और क्या क्या चीजें हैं जो आप बताना चाहती हैं या अगली वीडियो में कुछ दिखाना भी चाहेंगी। मैं अगली वीडियो में अपनी हाथ की बनी हुई जैम लेके आऊंगी, जैम चटनी, ठीक है, जैम और चटनी। और कुछ आप बताना चाहती हैं? मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप एक बार ही मौका दीजिए, आप टेस्ट करके बताइए, आपको अच्छा लगे तो दोबारा मौका दीजिए, नहीं तो एक बार टेस्ट जरूर करिए। अगर आप जहाँ मंगवाएंगे वहीं पहुँचेगा सिवाय पाकिस्तान के। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो शेयर करना, इनको आप जरूर सपोर्ट करना। हेलो फ्रेंड्स, मैंने इनका सब अचार वगैरह सब खाया हुआ है, मसाले भी सब मैं यूज करती हूँ, बहुत अच्छे हैं, और आप लोग भी इन्हें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इनका मनोबल बढ़ाएं कि जिससे ये और आगे मेहनत करें। इतनी एज की होते हुए भी ये बहुत मेहनत बहुत मेहनत कर रही है, बिल्कुल रात दिन लगी रहती हैं, रात को 4-4 बजे भी ये लोगों के ऑर्डर पूरे करती हैं। तो इनको आप जरूर, इनको एक बार मौका जरूर दें, मैं तो यही बोलूंगी।